दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे भारतीय रेलवे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी कोच में क्या अंतर है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे इन सब डिब्बों में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। आपको बता दें भारतीय रेलवे भारत की जीवन रेखा है और यात्रा के लिए भारतीयों की पहली पसंद भी है। एक ही ट्रेन में रेलवे अलग अलग कोच के जरिए यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सामान्य मिडिल क्लास के लोग द्वितीय श्रेणी और स्लीपर क्लास से अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन कई लोगों को फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी क्लास में अंतर के बारे में कम जानकारी होती है। इतना तो सभी जानते हैं कि एक कोच वातानुकूलित होते हैं, मतलब कि एसी वाला होता है। आइए इनकी अन्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरे डिटेल में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी डिब्बे होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एसी के बारे में। दोस्तों फर्स्ट एसी क्लास भारतीय रेलवे की सबसे महंगी श्रेणी है। ये कोच पूरी तरह वातानुकूलित होते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, इसके प्रत्येक कंपार्टमेंट में दो या चार बर्थ होती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, दो बर्थ वाले कंपार्टमेंट को कपल और चार बर्थ वाले कंपार्टमेंट को केबिन कहते हैं, और प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक दरवाजा होता है जिसे यात्री अंदर से बंद कर सकते हैं। और आपको बता दें, फर्स्ट एसी में साइड अपर या साइड लोअर बर्थ नहीं होती है। प्रत्येक यात्री के लिए एक डस्टबिन और एक छोटी टेबल होती है। राजधानी जैसे रेलगाड़ियों में यात्रियों को विशेष प्लेट और कटोरियों में खाना दिया जाता है, और खाने की मेनू सेकंड एसी और थर्ड एसी क्लास से अलग होता है। ट्रेन में अटेंडेंट को बुलाने के लिए प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक खास बटन होता है। सीट बेहद सुविधाजनक होती है। दोस्तों ये तो हुआ फर्स्ट एसी, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड एसी के बारे में। भारतीय रेलवे का सेकंड एसी कोच फर्स्ट एसी से सस्ता होता है और थर्ड एसी से महंगा होता है। इसमें सुविधाएं भी थर्ड एसी के मुकाबले अधिक है और फर्स्ट एसी के मुकाबले कम है। आपको बता दें, इसमें कोई मिडिल बर्थ नहीं होती है, हालांकि साइड अपर और साइड लोअर सीट होती है। इसी तरह प्रत्येक कंपार्टमेंट में 6 सीट होती हैं। एक कोच एसी थर्ड क्लास के मुकाबले कम भीड़ भाड़ वाले होते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में पर्दे लगे होते हैं और सीट बेहद सुविधाजनक होती हैं। यात्रियों को तकिया, चादर और कंबल दिया जाता है। और आपको बता दें, सेकंड एसी का खाना थर्ड एसी जैसा ही होता है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा रोटी या दाल लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। प्रत्येक बर्थ में एक रीडिंग लैंप होता है। तो दोस्तों अब आप सेकंड एसी के बारे में भी जान गए होंगे, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड एसी के बारे में। थर्ड एसी कोच मिडिल क्लास भारतीयों की पहली पसंद है। अगर बेहद सरल भाषा में कहा जाए तो ये कोच बिल्कुल स्लीपर क्लास की तरह होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि स्लीपर क्लास में वातानुकूलित मतलब एसी नहीं होता है, और थर्ड एसी में वातानुकूलित मतलब एसी होता है। और आपको बता दें, प्रत्येक कंपार्टमेंट में 8 सीट होती हैं। लोअर बर्थ के बैक रेस्ट के ऊपर उठाकर मिडिल सीट बनाई जाती है। थर्ड एसी में सफर के दौरान तकिया, कंबल और चादर दिया जाता है। और आपको बता दें, खाना सेकेंड एसी और थर्ड एसी में एक जैसा ही होता है। और आपको बता दें, इसमें पर्दे नहीं होते हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे फर्स्ट क्लास, एसी एग्जीक्यूटिव क्लास, थर्ड एसी इकोनॉमिक क्लास, एसी चेयर कार और सेकंड सीटिंग कोच का संचालन भी करती है। चलिए दोस्तों अब हम आपको ट्रेन के बारे में कुछ अलग से जानकारी बता देते हैं, जिसे जानना आप सभी लोगों को बहुत जरूरी है। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और विश्व में दूसरे स्थान पर है। और आपको बता दें, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन में 14 डिब्बे थे और इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफर किया था। और दोस्तों क्या आपको पता है, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन में 3 इंजन थे, जिसका नाम था सिंध, मुल्तान और शहीद। और आपको बता दें, भारतीय ट्रेन एक दिन में कुल जितनी दूरी तय करती है, वो दूरी धरती से चांद तक की दूरी से लगभग 8 गुना ज्यादा है।
और दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए, भारतीय रेल दुनिया का सबसे सस्ता रेलवे सिस्टम है। और आपको बता दें, सबसे पुराना अभी भी चलने वाला स्टीम इंजन है, इसका नाम है फेरी क्वीन, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। मार्च 2000 में इसे बर्लिन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ब्यूरो से हेरिटेज अवार्ड भी मिल चुका है। तो दोस्तों अब आपको भी मालूम चल गया होगा थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी में क्या अंतर होता है, और साथ ही साथ भारतीय रेल के बारे में कुछ रोचक बातें भी बता दिया हूँ। दोस्तों भारतीय रेल के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाकर लाते रहें। वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है, देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें, दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।